प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई मंत्रियों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम, जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की है। इस क्रम में मुख्यमंत्री रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की है, जिसमें उत्तराखंड को रेलवे की नई सौगात के साथ हरिद्वार कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की बात हुई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रेलवे के कार्य में रफ्तार लाने के साथ ही कुंभ मेला रेल लाइन को चार धाम से जोड़ने की तैयारी, दिल्ली से हरिद्वार तक नई ट्रेन तेजस ट्रेन सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री रावत ने भी मुलाकात कर बताया कि रेलवे की नई परियोजनाओं के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी दिल्ली दौरे के दौरान बात हुई है। हाल में कुंभ मेला होने जा रहा है जनवरी 2021 से, उसके बारे में चर्चा की और आगे चल के चार धाम जो जोड़ने की योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी कह सकते हैं और एक प्रकार से दृढ़ संकल्प है, उसके ऊपर भी हमने आज चर्चा की। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट है उसमें जमीन अब पूरी तरीके से रेलवे के हाथ में आ गई है। इस वर्ष 1500 करोड़ रुपए लगभग अधिक निवेश करने का मंजूरी बजट में मिल चुकी है। रेल मंत्री जी से मिलना हुआ उत्तराखंड की जो रेल लाइन्स हैं उनके बारे में, कुछ नई ट्रेन्स के बारे में उनसे बातचीत हुआ और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जो अधिकारी हैं यहाँ पर उनको स्पष्ट निर्देश दिया कि उत्तराखंड के लिए किसी तरह की बजट की कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जो कुंभ वहाँ पर हो रहा है, कुंभ की दृष्टि से हरिद्वार के आसपास जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको सुरक्षात्मक दृष्टि से उनको अपडेट समय पर कर लिया जाए।